हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब जहाँ कहीं होंगे बहुत अच्छे होंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी सुबह का टाइम है, हस्बैंड जा चुके हैं, उनको कुछ ज़रूरी काम थे इसलिए जल्दी चले गए। और देखिए धूप आ रहा है हल्का हल्का। तो चलिए फिलहाल मुझे थोड़ा सा बर्तन धोना है तो बर्तन धो लेती हूँ। और जो भी नाश्ते वास्ते का बर्तन था ना वो सब था। बाबू क्या बताऊँ, इतना लेट से कल रात में सोया ना, 3:30 बजे सोया, ये अभी तक ये लड़का सो ही रहा है। मैं इसको अभी तुरंत जगाऊंगी। और इस फ्लावर वास के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि आपके जो टीवी के नीचे व्हाइट वाला रखा हुआ है वो आपने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मुझे मीशो से रिसीव हुआ था। आप अंतरा सिंह ब्लॉगर चैनल पे जाके देख लीजिएगा, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ। ये कॉम्बो में आएगा, एक ये आएगा और एक वहाँ जो रखा हुआ है वो, दो आपको एक साथ कॉम्बो मिल जाएगा। प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, कोई हाई प्राइस नहीं है, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज का काम शुरू करते हैं। तो मैं पहले किचन में जो भी बर्तन है ना उन सारे बर्तनों को धुल लूँगी। पहले किचन का जो भी बर्तन रहता है, पहले मैं जब भी काम करने आती हूँ ना, या तो वो इवनिंग हो या फिर लंच का टाइम हो, कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि पहले मैं ना बर्तन धो लूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद मुझे खाना बनाना कुछ मुझे लगता है कि मैं खाना बहुत जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन ये सब काम करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से पहले जितने भी बर्तन मैंने पहले मैं किचन में आते ही ना वही धुलने लगती हूँ। क्योंकि मेरा मतलब आप देखते ही होंगे ब्लॉग में, जब भी मैं ब्लॉग किचन से स्टार्ट करती हूँ तो पहले मेरा वही काम हो जाता है। और यहाँ पर मुझे सब्ज़ी बनाना है, तो सब्ज़ी में बनाने के लिए आज सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने बस जो थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी था सारे सब्ज़ी को मैंने ले कर सब्ज़ी बनाई थी। आलू, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, तो सबको देख सकते हैं ऐसे करके कट करके। और अभी मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, और जब धो लेंगे इसके बाद इसमें बहुत मतलब कुछ अलग टाइप का मैं आपको रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई रियली होप कि आपको पसंद आए, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, हम लोग को अच्छा लगा खा के, आई रियली होप कि आपको भी पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चने का दाल, तो ये देख सकते हैं चने का दाल डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डालें जितने लोगों का आपको बनाना है। मुझे जैसे बस 3 लोगों का सब्जी है, मैं भैया और राहुल जी, तो बस यहाँ पे चने की दाल मैं रख रही हूँ। आप चाहे तो तुअर की दाल भी रख सकते हैं। उसके बाद ये जितनी भी सब्जियाँ हैं ना, सारे सब्जियों को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और चने के दाल को भी मैंने धुल लिया है। उसके बाद जितनी भी सब्जी है सबको मैं कुकर में डाल दूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत झटपट में बन जाता है, और कभी कभी जानते हैं झटपट वाला रेसिपी भी ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। उसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल दे रही हूँ। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें 2 टमाटर डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल देंगे, सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी खाने का तेल यूज़ करते होंगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, मैं ऐसे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ खाने में। तो बस इसके बाद मैं इसको कुकर को चढ़ा दूँगी, 2-3 सीटी लगेगा और ये हमारा अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद इसे किस तरीके से रेडी करना है खाने के लिए, किस तरीके से तड़का देना है इसको, वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। पहले मैं इसको जब तक ये सीटी देगा तब तक मैं ना दूसरा काम कर लूँगी। दूसरा काम इन द सेंस मुझे बेड को ठीक करना है, तो पूरे बेड को मैं पहले अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे जब बेड को ठीक कर रही थी तो ये वाला जो इसको ठीक करने वाला है ना, मतलब थोड़ा सा झाड़वाने वाला सोफ़ा को आप डस्ट साफ़ कर सकते हैं या बेड का, तो वो ना मेरा निकल गया। ये ना मैं नया लेके आई थी ना तभी से ये प्रॉब्लम हो रहा है निकलने वाला, तो अभी मैं मतलब दूसरा मुझे कहीं अच्छा मिल नहीं रहा, तो मैं इसी के तब तक मतलब नया ही है यार, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। 110 या 120 ऐसे में मुझे ये दिया था। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहाने के बाद मुझे पूरा मंदिर को क्लीन करना था, पूरे मंदिर को साफ़ करना था। क्योंकि जैसे कि बीच वाला जो देखना है, ये 3 खल का जो रैक है, तो इस पर ना बीच वाले में मैंने अपने जितने भी भगवान हैं ना सबको रखा था, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कंजस्टेड हो रहा है। प्रसाद चढ़ाने में नहीं बनता था सही से, पानी चढ़ाने में नहीं बनता था, पूजा करने में नहीं बनता था, दिया जलाने में नहीं बनता था, तो मैंने सबको अच्छे से अरेंज कर लिया है। जब 3 खल है तो सबसे ऊपर वाले में मैंने सामान रख दिया है और बीच वाले नीचे वाले में भगवान जी
को रखा है। उसके बाद पूजा का जितना भी बर्तन है सब मैं पीताम्बरी से धो रही हूँ, तो यहाँ पे पीताम्बरी से सही भी रहता है धोना, बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे मैं बस ये सब बर्तन धो के फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। और मैं बर्तन धुलने के बाद यहाँ आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए, तो बताइएगा ज़रूर कि मैंने मंदिर को कैसे अरेंज किया है। मैंने अपने से तो अच्छे से अरेंज किया, ऊपर नीचे वाले खल में भगवान जी सबको रख दिया, कोई कंजस्टर नहीं, इजली प्रसाद जल चढ़ा सकते हैं। और ऊपर वाले में भगवान जी का पूजा का सामान सब रखा है मैंने। और आप सभी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो बस यहाँ पे प्रसाद चढ़ चुका है मेरा, दिया जल चुका है, अगरबत्ती जला रही हूँ यहाँ पे। और बिना फूल का पूजा करना बहुत अधूरा सा लगता है, बट क्या करें यहाँ पे, अभी तो राहुल जी सुबह सुबह चले गए तो फूल ला नहीं पाए, वरना पूजा में ना फूल रहना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ सब्जी मतलब उसमें तड़का देने के लिए जो मैंने बॉईल किया था कुकर में, तो यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ की हूँ। उसके बाद उसमें मैंने जीरा डाला है, फिर मैंने इसमें काला सरसों डाला है। और सरसों डालने के बाद जब अच्छे से तड़क जाएगा तो उसमें तेज़पत्ता को ऐड करेंगे। और तेज़पत्ता डालने के बाद मैंने प्याज को, एक बड़ा सा प्याज था उसको मैंने बारीकली कट कर लिया है। तो यहाँ पर ये सब जब फ़ौरन अच्छे से तड़क जाएगा ना तो फिर इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी, और प्याज अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन छील के लहसुन को ना कूट लेंगे, जो कूटने वाला है ना मेरा उसमें ना लहसुन को कूट लेंगे, क्योंकि मतलब लहसुन को मैं बारीक तरीके से कट करके भी रख सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा होता है ना थोड़ा मुँह में आ जाता है तो थोड़ा सा अजीब सा मुझे लगता है। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं ऐसे करके अच्छे से पेस्ट बन जाता है, मतलब आपको जैसा दरदरा या फिर जैसा पेस्ट बनाना ना आपको बन जाएगा, बहुत ईजिली बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, और ये आप लोग पूछते हैं आपने मार्बल का कहाँ से लिया, इसको ना मैंने ऑनलाइन लिया था, मुझे मतलब मैं देखती हूँ लिंक मुझे मिलता है तो मैं दे दूँगी। मैंने इसको ऑनलाइन बहुत दिन पहले, मैंने जब पुराने वाले घर में थी ना तभी मैंने इसको लिया था। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरा ये सारा जितना भी सब्जी और दाल जो मैंने बॉईल किया था ना बॉईल हो चुका है। और इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाओगे बहुत ही टेस्टी होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैंने बॉईल किया था कुकर वाला तो उसमें मैंने हल्दी डाला था। और यहाँ पर मेरा हाथ कटा हुआ है, मैं वो दिखा रही हूँ कि मतलब मैं ना वो जो छोलनी है ना उसको मैं चला नहीं पा रही हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा हाथ कटा हुआ है। उसके बाद मैं नमक उमक ऐड कर चुकी हूँ, उसके बाद ये सारी सब्जियाँ को ऐड कर लेना है, 2-4 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। इसको धनिया पत्ता फिर इसमें डाल दीजिए अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो। मेरे पास जब मैं फ़ौरन में मेरे पास ना ये नहीं था, नीम पत्ता जो आता है ना मीठा नीम पत्ता जिसे जिसको कढ़ी पत्ता बोलते हैं, वो मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास हो तो आप फ़ौरन में वो डालिएगा, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं धनिया पत्ता को ऐड कर दी हूँ, और धनिया पत्ता ऐड करने के बाद और यहाँ पे मेरा सब्जी हो चुका है ऑल ओवर रेडी। तो देखिए सब्जी हमारा रेडी हो चुका है, बहुत क्विक रेसिपी है, मतलब एकदम आपको अगर हड़बड़ी आप इस तरह की क्विक रेसिपी फटाफट बना, इसको आप कचौरी पराठे के साथ भी खा सकते हो। उसके बाद अभी हो चुका था शाम का टाइम, इवनिंग का टाइम, तो यहाँ बाबू के लिए मैं एक चीला बना रही हूँ, क्योंकि उसका मन था चीला ही खाने का, तो मैंने कहा चलो चीला ही बना देती हूँ बच्चे के लिए, बच्चा जो खाता है वही बनाना अच्छा लगता है। राहुल जी भी ऑफिस से आए नहीं हैं, बाबू क्या बोल रहा है पता नहीं। Nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel. You deserve better than me. टमाटर सॉस दे दिया, वो इजली खा लेगा, वो अपने खाने के पोजीशन पे जा रहा है कि मुझे मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग छोरा लेके जाओ। टाटा।
तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज यार ब्लॉग को देखा कीजिए ना, नोटिफिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ, कितनी बार कम्युनिटी ऐप पे वीडियो शेयर करूँ, कितनी बार करूँ बताइए। तो थोड़ा सा आप सर्च करके भी देख लिया कीजिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरा बेटा ऐसे नहीं हम खिलाते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हो, कहते हो कि आप ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड किए। यार नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, आप मेरा चैनल को सर्च करके फिर वीडियो देखो। पता नहीं क्यों यूट्यूब में अभी सबके नोटिफिकेशन में सेम प्रॉब्लम। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी लेके आऊंगी आप सबके इंटरेस्टिंग सा न्यू सब ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।